हेलो गाइस, यू वाचिंग मी ऑन माय चैनल रजान पेक डैम दिस चौधरी एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। और आज मेरा शूट तो है, बट आज शूट मेरा घर से ही है। घर से मुझे शूट करना है, काफी मतलब अच्छा सा शूट है थोड़ा बहुत। बाकी आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे हम क्या शूट है क्या नहीं। अभी तो सबसे पहले करते हैं इस व्लॉग को कंटिन्यू। सो मुझे ना अभी इसी मतलब दो सीक्वेंस है इसके, एक नॉर्मल आउटफिट में शूट करना है, एक थोड़ा सा अलग से शूट करना है। तो अभी मुझे ब्रीफ के लिए फिर भी एक बार कॉल कर लेनी है। मैं एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ ब्रीफ को, थोड़ा बहुत आपको भी सुनवा दूंगा क्या बात होती है क्या नहीं होती। बाकी देखते हैं, लेट्स। हेलो, ठीक है, बस इतना ही है। तुम्हें तीन चीजें रिकॉर्ड करनी है कि कैमरे के सामने आके बोलना है, मैं नहीं मान सकता कि आपके साथ ये हुआ ही नहीं, ठीक है? बाकी चीजें भी तुम कैमरे के सामने ही बोल देना पूरा वीडियो करके। हम वीडियो में ही कहां कहां तुम्हारा वीडियो क्लिप रखेंगे, कहीं कहीं उसको वॉइस ओवर बना देंगे, ठीक है? ठीक है, सो मैंने मुझे समझ आ गया। और जो मैंने अपने माइंड में प्लान आउट करा है चीज, तो वो इस तरह से करिए कि मैं शूट कर रहा हूँ एक अलग ड्रेस में। मैंने शूट करते हुए करा, तो वो मेरा एक एकदम फोन ऐसे नीचे गिर गया और मेरा वही रिएक्शन आया कि ये कैसे हो गया, एकदम फोन गिर गया, सडन वाला रिएक्शन। उसके बाद खैर मैंने फिर वो जुगाड़ वगैरह, मैं फोन पे किसी से बात करते हुए थोड़ी बहुत क्लिप दिखा दी, लेकिन किसी ने पिक नहीं करा। उसके बाद में ये जो स्क्रिप्ट है, इस पूरी स्क्रिप्ट को एक डिफरेंट यूनिफॉर्म में, डिफरेंट कॉस्ट्यूम में मैं बोलूंगा, तो जिसमें हम बीच बीच में पार्ट लगा दे वॉइस मतलब बोलने वाला, है ना? और बीच बीच में वो हमारा जो शूट करते हुए टाइम्स है तो वो भी ऐड हो जाएगा। कर लेना शूट, सेटअप वगैरह रेडी करना, सिंपली सेटअप करना है, ज्यादा कुछ वो नहीं करना ताम झाम, क्योंकि बहुत ही नेचुरल लगना चाहिए शूट इसी वजह से। तो पहला जो हमारा सीक्वेंस है वो इसी ड्रेस में शूट होगा। मैं कॉल पे बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म इंस्टेड ऑफ कॉस्ट्यूम और द आउटफिट, आई एम सेइंग यूनिफॉर्म, पता नहीं यूनिफॉर्म कहाँ से मेरे दिमाग में आया। तो अभी तो पहले इसी आउटफिट में शूट कर लेना, तो कर लेते हैं शूट को। मैंने फर्स्ट जो सीन था वो भी शूट कर लिया, सेकंड सीन भी शूट कर लिया, आउटफिट चेंज करके भी शूट कर लिया, सारी क्लिप जितनी मुझे लेनी थी सब अच्छे से शूट कर लिया। अगर मुझे शूट भेजना है अपने जो हेड है उनको, तो जल्दी से पहले सबसे पहले ना मुंह वगैरह धुलता हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करता हूँ, एडिट वगैरह करके वीडियो उनको भेजता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। डन विद माय ऑल वर्क, सारा काम कर लिया है, क्लाइंट को वीडियो भेज दी, आज का ब्लॉग लाइव कर अपलोड कर दिया, थंबनेल बना लिया, टाइटल लिख दिया, एक दो और काम थे वो सब कर लिया। और अभी मैं खा रहा हूँ आराम से बैठ के दही भल्ले, मैं अपने दही भल्ले एंजॉय करता हूँ। और साथ साथ आज ना मुझे कॉल आई, तो वो कॉल ना मैं आप लोगों को भी सुनवाना चाहता हूँ, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तब तक मैं दही भल्ले खा लूँ और आप लोग वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। भाई कौन? भाई मैं रहान बोल रहा, भाई मैं लंडोरा से हूँ, भाई मैं मिलना, ऐसा मुझे पता चला था अभी इनकी रिश्तेदार है, तो भाई मुझे आपसे मिलना है भाई। अच्छा भाई, अच्छा भाई, भाई मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ। अच्छा भाई, इंस्टाग्राम भी देखता हूँ आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, मुझे आपसे मिलना है भाई। जब आऊंगा मिल लियो भाई। भाई कब मिलोगे? भाई पता नहीं, जब आऊंगा तब मिल लूंगा भाई। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, मैंने आपसे बात कर ली भाई। भाई कौन हो आप? भाई भाई मैं लंडोरा से रहान हूँ। अच्छा भाई, मिलेंगे भाई। कैसा फैन है तेरा, तगड़ा फैन है तेरा तो। हाँ सही कह रहा हूँ, सारी वीडियो देखो इंस्टाग्राम पर भी जितनी पोस्ट करो। तो आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, मैंने दही भल्ले वगैरह भी खा लिए। भाई ये मेरा पहला ऐसा फैन मूवमेंट कॉल इंटरेक्शन था ऑन यूट्यूब, ठीक है? तो ऐसा क्या सीन, इसका सीन हो रहा था, क्या सीन है, जो मेरी बड़ी मम्मी है उनके जो भाई हैं जो मेरे मामा लग गए, ठीक है, उनका जो लड़का है ये उसका कोई दोस्त है। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो भाई दिखाते ना कि भाई ये मेरा भाई है ऐसे, तो उसने सबसे सब्सक्राइब करवा रखा है, तो उसकी जान पहचान में ऐसे कुछ करके ये बच्चा था जिसने बात करी, और भाई उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी। और भाई क्या कहते हैं, मैं बड़ी मम्मी गांव गया था, काफ़ी टाइम पहले गया था, बट ऐसे मैंने कुछ ब्लॉग नहीं करा था, बहुत ही छोटा सा एक ही दिन के दिन गया था इसलिए। बट अगर इन फ्यूचर कभी जाऊँगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लोर कराऊँगा। बाकी अभी तो क्या कहते हैं, मैं घर आ चुका हूँ क्या, मैं तो घर ही था, मैं क्या बोल रहा हूँ, घर आ चुका हूँ, मैं घर ही था, मैं जा रहा हूँ बाहर, ये बोल रहा ना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ घर आ चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं बाहर। मैं बाहर से आ चुका हूँ घर, बाहर मैंने आज ज्यादा कुछ भी ब्लॉग नहीं करा क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था बाहर ऐसे कुछ ब्लॉग करने का। अभी मैं आ चुका हूँ घर, और भाई हमारा छोटा वाला भाई आया तो नहीं, ये देखो ये क्या लाया, ये खा रहा है यहाँ पे मोमोज। आज इसे देख के ना भाई मेरा भी खाने का मन कर गया, क्योंकि हम गए थे भूक लेने, फिर हम वहाँ पे कराउल नगर एक फेमस मोमोज वाला, फिर उसके बाद हम गए शांति नगर, फिर वहाँ से तो इसे पकड़ना, एक बाइट लेंगे।
नहीं, ऐसे पहले पहले लाने वाले का वो, ऐसे थोड़ी बदतमीजी थोड़ी चलेगा। बदतमीजी नहीं यार, इसे ऐसे पकड़ना चाहिए ना। कैमरे को कैसे पकड़ू मैं, एक काम करना, सामने जाके तो कैमरा पकड़ ले, मैं खा लेता हूँ, वन वीडियो रिव्यू भी दे दूंगा ना आने का। अरे वाह कितना अच्छा है, पहली बात में मान लेनी थी, माननी चाहिए, बड़ा भाई हूँ। नहीं तो भाई वैसे मैं मोमोज खाता नहीं, बहुत कम खाता हूँ। एक मोमोज के 50 रुपये खाता हूँ, खा लूंगा मैं 50 रुपये, नहीं तो 5 रुपये भी देने का। अच्छी है ना, ठीक है, वीडियो बंद नहीं खाते थे, बस बस खा लिया। अरे बस वीडियो बंद कर दे, मैं खा लूंगा। इसने मोमोज लाके भाई घर पे सबका मन करवा दिया कि अब हम दोबारा से बाहर जा रहे। लिटरली मैं अभी बाहर से घर आया हूँ, अगर मुझे पता होता मैं भाई के साथ ही खा लेता, लेकिन इसने इसके मोमोज लाके ना मन कर रहा है कि बर्गर भी खा लो, चिल्ली पटेटो भी खा लो। तो अब हम बाहर निकल गए भाई सामान वामान लेने, हम जा रहे हैं 2 नंबर। क्या लेने, पहले पहले बर्गर फिर चिल्ली पटेटो। हाँ तो पहले हम लेंगे बर्गर, उसके बाद लेंगे चिल्ली पटेटो। गलती करी है तुमने, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक। मैं बाहर का खाना छोड़ रहा हूँ और मेरे घर वाले मुझे बाहर का और खिलवा रहे हैं। भाई मत खिलवाओ, मेरे काम आ रहा है, मेरे मुंह का नाश हो जाएगा ये सब खा के। यार मतलब एक बात हो गई, मैं इतना कंट्रोल करता हूँ अपने ऊपर, इतना कंट्रोल कि मैं बाहर का खाना लिटरली बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, बट आज मेरा सही में बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इसलिए मैं आ गया। कल वैसे मैंने पिज़्ज़ा भी खाया था, कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, अभी हम बहुत खाते हैं। मुझे पिज़्ज़ा वाले भैया के पास जा रहे हैं बर्गर खाने, क्योंकि उनका बर्गर अच्छा था भाई। बर्गर तो भाई मैं खिला रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ हेल्दी खिला दे, जूस वूस पिला दे। देख पीछे जूस वाले भैया हैं, वो रे देख पीछे पीछे देख, आ जा मैं दिखवा के लाऊँ। आज देख देख ये रहा जूस की दुकान, जूस पिलवा दे। मेडिकल स्टोर है तो। अबे वो देख बालाजी फ्रूट जूस कॉर्नर, फ्रूट जूस कॉर्नर, जूस पिला दे। बालाजी फास्ट फूड कॉर्नर जा, ठीक है, फास्ट फूड खा के तो तू ऐसा हो रहा है। वैसे अगर मैं भी फास्ट फूड खाऊंगा मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा मोटा। क्या भाई यार, क्या जिम सारे भाई डाइट नहीं ले रहे? अरे नहीं लो भाई यार, बर्गर हमने ले लिया, या उसके बाद हमें नेक्स्ट पे चिल्ली पटेटो लेने, बट यहाँ कोई है नहीं चिल्ली पटेटो के लिए। अब यहाँ जब कोई आएगा तो हम चिल्ली पटेटो लेंगे। हमने भाई चिल्ली पटेटो का वो कर दिया है ऑर्डर, वो पैक हो जाएंगे। इतना भाई ये क्या कह रहा है, हम चाहिए थी कोल्ड ड्रिंक भाई, कोल्ड ड्रिंक हम सब भी है लड़ाई। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इस अगले को चाहिए कौन सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए? कैंपा। वो पता नहीं कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी वो कोल्ड ड्रिंक भाई, कौन सी दुकान में मिलेगी? मॉल। हाँ वो मिलेगी यहाँ पे ना, स्मार्ट, ये स्मार्ट में नए नए इनके शौक हैं, बड़े आदमी रही, हम तो छोटे मोटे गरीब, हम तो कहीं से देख खा लेंगे, लेकिन इनके तो नवाबों वाली को है ना भाई, नवाब है भाई, ये बाइक से पैदल पैदल नहीं चल सकते, बाइक पे चलेंगे। इंडियन ब्रांड की वहाँ मिलती है, इंडियन ब्रांड की वहाँ मिलती है, हिंदुस्तानी ना भाई हम तो। हम आए भाई स्मार्ट पॉइंट पे सिर्फ कैंपा लेते, इसका सेक्शन अब इसमें कहाँ है ये बता दे। ड्रिंक्स का सेक्शन तो ये है भाई, इसमें तो नहीं दिख रही मुझे कुछ भी, नॉर्मली है सारी। देख 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 तेरी कैंप कैंपा ही तो चाहिए थी, और तो ले ले मुझे, इधर से उधर घुमा रहा है मार्केट में। ये चाहिए हमें एट द एंड को, ये दे रहा है स्प्राइट, नॉर्मल स्प्राइट हम इसे बार। ये भी तो कैंप आई है, क्या है ये? रंगीन एनर्जी भाई, क्या चाहिए तुझे यार, मुझे ये बता दे। मुझे ये चीज़ चाहिए, इतना घूमना पसंद नहीं है मुझे, जो चाहिए लेके जल्दी छुट्टी करूँ भाई। लेना क्या है कैंप है? अरे नहीं है तो कोई और से ले ले। हाँ मिल गई क्या जो चाहिए थी, ले गए ना नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की। मैंने पहले ही कही थी कि मैंने कहा नहीं मिलने की, नहीं मिलने की, लेकिन चूल्हे ना अंदर के नहीं देखेंगे देखेंगे हो आया। तो हम नहीं मिली ना, हमें मिली क्या? अरे चल इतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी। यहाँ हमने सब सामान ले लिया, हमने ले लिया भाई बर्गर, हमने ले ली चिल्ली पटेटो, हमने ले ली कोल्ड ड्रिंक, एट द एंड आके ली ना हम सभी। ये कह रहा कैंपा 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 का भाई स्प्राइट वाला फ्लेवर था, अभी अभी खत्म होता है अभी तो हम मिला नहीं ना, बात थी कि मिलने की, मिलना चाहिए था, अगर मिलता तो हम मांगते। मिला रुजा लाने की तो ऐसी बात है, मैं चाय अभी कहीं से ला कर दिल्ली से ला कर ले जाऊंगा। अरे चल हट, ऐसा नहीं होते, मिलता तो अभी मिलता, अब नहीं मिला तो नहीं मिलता।
चुके हैं घर भाई, ये निकाल लिया हमने बर्गर, देखो सबकी प्लेट्स में ये बर्गर आपको मिलेंगे। और ये देखो भाई कौन कौन खाना खाते वक्त तारक मेहता देखता है, ये देखो बबीता जी ऐसे बनना है ना, हाँ तारक मेहता जेठालाल बबीता जी। और ये निकाल लिया हमने भाई चिली पटाटो एंड ये चॉकलेट बोल रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, और ये हमारे दही भल्ले। तो शुरुआत करते हैं अपने बर्गर से। डन विद फूड एंड ऑल, उसके बाद हमने मूवी देखी नमस्ते लंदन, और पूरी मूवी तो हमने ऑब्वियसली नहीं देख पाई, एक घंटे की हमने मूवी कवर कर लिया, बाकी कल वगैरह देखेंगे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड अप करते हैं। आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।